हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार, आपका मैथ एजुकेटर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th और 10th की मैथ, जिसमें हमने 9th का कल हमने देखा था। फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया था रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर क्या होता है हमने देखा था। रियल नंबर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर। उसके बाद हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, को प्राइम। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि डेसिमल में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो रिपीटिंग डेसिमल भी होता है, और यदि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग, तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। तो आगे हम उसी वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर के बारे में, थोड़ा डीप में देखेंगे, जो हमें क्लास 9th में पढ़नी है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर जब हम पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर्स में तो हमने देखा था कि रेशनल नंबर सर कोई भी नंबर वह होता है जो पी वटे क्यू के रूप में होता है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो था हमारा रेशनल नंबर का डिफिनीशन। तो जब आगे बढ़ते हैं तो हमें देखते हैं कि शब्द आता है, हमें एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये क्या होता है? तो बच्चों रेशनल नंबर ही होता है ये भी, सिर्फ अंतर क्या होता है, इक्विवेलेंट मतलब यदि कोई लेते हैं जैसे हम 1/2, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, और जब पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है तो इसको यदि हम देखते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देने से, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया हमारा 2/4। इसी में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब अगर 1/2 में हम किसी यूनिक नंबर से, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4, किसी भी नंबर से अगर सेम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो नंबर प्राप्त होता है वो कहलाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये दोनों नंबर सर आप सबके बीच में, बच्चों में आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपने यहां इक्वल क्यों लगाया है। तो मैंने इक्वल इसलिए लगाया क्योंकि ये सारे नंबर इक्वल है, इक्वल है तभी तो इनका नाम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि समतुल्य, सारे रेशनल नंबर एक दूसरे से बराबर हैं। कैसे दिखाता हूं, अगर मैं इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, सरलतम रूप में लिखूंगा, अगर सरल करके सिंप्लीफाई करके इसे लिखूंगा तो देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो ये सारे नंबर्स 1/2 के टर्म में ही आ गए, तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी रेशनल नंबर में सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमेटर में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नंबर प्राप्त होता है हमें, जो रेशनल नंबर, वो क्या कहलाता है, एक दूसरे का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इसी तरह मान लो क्वेश्चन रहेगा किस तरह से, क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में, राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फॉर सपोज करो 2/3। कोई भी नंबर यहां ले सकते हैं 2/3। अब इसका इक्विवेलेंट नंबर निकला है तो 5 लिखना है, तो 5 लगातार लिखेंगे तो 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से तो वही रह जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/6, 2/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इसी को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12,
टू बाई थ्री को हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फाइव जै टेन, थ्री फाइव जै फिफ्टीन, किसी भी नंबर से मन करे तो टू सेवन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो टू सेवन जै फोर्टीन, थ्री सेवन जै ट्वेंटी वन। तो इस तरह से अगर पांच बोला है तो हम पांच निकाल लिए, एक दो तीन चार पांच, तो पांच इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए किसके, टू बाई थ्री के। इसका मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर फाइव इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, फाइव इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, समतुल्य, समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या आर, क्या क्या हो गया, फोर अपॉन सिक्स, सिक्स अपॉन नाइन, एट अपॉन ट्वेल्व, टेन अपॉन फिफ्टीन और फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी वन। ये सारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया आप लोगों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। ओके, तो अगला टॉपिक जो इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, संख्या रेखा पर, परिमेय संख्याओं का, निरूपण हम कैसे निरूपण करेंगे, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे। अब संख्या रेखा नंबर लाइन हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, जैसे मान लीजिए ये है हमारा नंबर लाइन, बीच में जीरो। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, वन टू थ्री फोर, उसी तरह इधर माइनस में चलेंगे, माइनस वन माइनस टू। अब इस पे हमें रेशनल नंबर दिखाना हो तो हमने अभी तक जो अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं सेवेंथ एट में, वहां पे हम लोग सिर्फ होल नंबर को दिखाते थे। जैसे मान लो फोर दिखाना हो तो हम सीधे यहां से यहां तक ऐसे फोर दिखा दिया करते थे कि ये हमारा नंबर लाइन हो गया। माइनस वन दिखाना हो तो सीधे ऐसे दिखाते थे माइनस वन, ये हो गया हमारा नंबर लाइन। बट अब हमें नेचुरल नंबर या होल नंबर को नहीं दिखाना है, इंटीजर को नहीं दिखाना है, हमें रेशनल नंबर को दिखाना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, तो इसमें क्या करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले नंबर लाइन लेंगे उसी तरह से जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू। अब सपोज करो हमें दिखाना है टू बाई थ्री, अब टू बाई थ्री को हम कैसे इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है, थ्री है। और ये जो एक चीज मैं पहले बता दूं, जब भी हमें रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, तो सबसे पहला स्टेप जो हम फॉलो करेंगे वो ये देखेंगे कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूजन, सर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपने बताया नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मतलब जो अंश होगा वो जो भिन्न का, जो भिन्न होता है भिन्न का जो अंश होगा वो हर से छोटा होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है अंश, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अंश, न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं हर यानी डिनोमिनेटर। तो जब अंश हर से छोटा हो यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा हो तो यह कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और यदि इसी को हम पलट के लिख दें थ्री अपॉन टू, तो यहां क्या हो जाएगा, ये
अंश जो हो गया ये बड़ा हो गया हर से, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इस केस में इसे हम बोलते हैं इम्प्रोपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्रोपर फ्रैक्शन। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है आपको। ओके, तो ये हो गया प्रोपर फ्रैक्शन 2/3 और ये हो गया इम्प्रोपर फ्रैक्शन 3/2। अब जब हमें ये पता चला कि सर प्रोपर फ्रैक्शन है, तो इतना जान लो कि प्रोपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा, प्रोपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोपर फ्रैक्शन है 2/3 ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो अब समस्या ये उठा कि सर 0 और 1 के बीच में ही क्यों लाई करेगा, तो मैं दिखाते हैं हम। तो 2/3 को जब डिवाइड देंगे हम लोग, ध्यान दो यहां पे, 3 से 2 को जब डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट लगेगा, 3 6 18। इसका मतलब क्या हम देख रहे हैं, 0 से तो आगे बढ़ रहा है, ये 0 से आगे बढ़ रहा है 0.6, लेकिन 1 तक नहीं गया अभी तक। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि 0 से आगे बढ़ेगा लेकिन 1 से इधर ही रहेगा, यानी 0 और 1 के बीच में लाइक करता है सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से और उसको जब डिवाइड करते हैं तो वो कहां लाइक करेगा, 0 और 1 के बीच में। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अब ये 0 और 1 के बीच में लाइक करेगा तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, निरूपण कैसे करेंगे इसका। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो 3 पार्ट्स में हम इसे बांटना होगा। तो एक बात बताओ, अगर एक लाइन है, एक चॉकलेट है, अगर इसे 2 बच्चों में बांटना हो तो हम कितनी बार तोड़ेंगे इसे, 1 बार। 1 बार तोड़े तो 2 भाग में बट गया, 2 पार्ट्स में। तो इसका मतलब अगर एक लाइन को हमें 2 भागों में बांटना हो तो हम 1 बार डिवाइड करते हैं। तो अगर 3 बार में डिवाइड करना हो 3 भागों में तो 2 बार डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये हो गया 3 भागों बट गया, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ठीक है। तो अब इसमें से दूसरा भाग हमें रिप्रेजेंट करना है, 2/3 का मतलब हमें दिखाना है 2/3। तो जो डिनोमिनेटर था उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 था तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। अब इसमें हमें दूसरा वाला पार्ट को दिखाना है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। इसका मतलब 0 से लेके यहां तक ये जो लाइन हो गया यही हो गया हमारा 2/3। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर ये 2/3 है, अब इसी तरह अगर माइनस में रहा, सपोज करो ये -2/3 अगर रहता तो क्या करते, तो सेम प्रोसेस फॉलो करते, हम पीछे की ओर जाते -2/3 के लिए। तो -2/3 क्या करते, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ये भी 0 और -1 के बीच में। यहां भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 3 है, तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। जितने पार्ट्स में डिवाइड करना हो उससे एक कम लाइन ड्रॉ किया जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखो। यहां 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था तो हमने 2 लाइन ड्रॉ किया, अगर यहां भी हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 2 लाइन ड्रॉ कर दिए। अब इसमें क्या है, हमें ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया, तो हमें दूसरा वाला पार्ट दिखाना है। माइनस को, साइन को भी इग्नोर करेंगे क्योंकि माइनस ये सारे इधर लेफ्ट साइड में, 0 से इधर है, सब माइनस में ही है, तो हम सिर्फ दूसरे पार्ट को दिखाएंगे। तो ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे -2/3 से। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, उन फ्रैक्शंस को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उन परिमेय संख्याओं को इसी तरह से संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। तो ये तो था प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब देखते हैं यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहा तो क्या करेंगे। और मान लो बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले से मान लो 15/7, ठीक है बच्चों, 15/7 हमने ले लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब अंश जो है वो हर से क्या है, बड़ा है। तो जहां जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है उस भिन्न को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब यहां क्या करेंगे,
तो जहां भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा वहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं, मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, तो 15 अपॉन 7 को 7 से डिवाइड देंगे, 15 को 7 टू 14, 5 में 4 के 1। तो अब देखो इस प्रोसेस इस लाइन से चलते हैं, ऐसे यहां से लिखेंगे ऐसे चलेंगे, मतलब 2 पर लिख दिए, फिर जो रिमाइंडर 1 बचा उसको यहां ऊपर लिखते हैं और ये जो डिवाइजर है उसे यहां नीचे। तो इस तरीके से चलते हैं, 2 होल 1 बाय 7 इसको कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे 2 पूर्णांक 1 बटा 7, या इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 2 होल, ये क्या है, होल पार्ट है, होल नंबर है, 2 होल 1 अपॉन 7। तो इसे बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर लाइन अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ये बच्चों नंबर लाइन हमारा यहां 0 डाल देते हैं, 1 2 3, इधर -1 -2, इस तरह से -3 -4 उधर बढ़ेगा। अब देखो हमने अभी बताया 15 अपॉन 7 को हमने किस तरह से लिखा, 2 होल 1 अपॉन 7, हमें 2 पूर्णांक 1 बटा 7 को अब रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे, 0 से चलेंगे 2 तक, क्योंकि 2 के बाद यहां देखो ये पता चल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2 प्लस 1 अपॉन 7, यानी कि हमें 2 के बाद बढ़ना है, 2 प्लस मतलब 2 से आगे जाना है। तो ये जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगा 2 और 3 के बीच में होगा। अब हमें 0 और 1 के बीच में नहीं करना है, क्योंकि 0 और 1 कब होता है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो चूंकि ये होल नंबर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 2 प्लस है, तो 2 के बाद बढ़ेंगे, यानी 2 और 3 के बीच में। अब देखो बच्चों यहां पर एक चीज हमें समस्या क्या है कि सर 2 से आगे तो बढ़ेंगे ठीक है, लेकिन ये 1/7 जो है ये फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 1/7 के लिए। तो मैंने बताया था कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो डिनोमिनेटर देखते हैं हम, उसका 7 है, तो जितना डिनोमिनेटर रहता है हम उतना ही पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां अगर डिनोमिनेटर 7 है तो हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, और अगर 7 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो बताओ बच्चों कितने लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 लाइन। मैंने अभी बताया था कि अगर एक चॉकलेट को 2 भागों में बांटना है तो एक बार उसे तोड़ेंगे तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी जितने भागों में बांटना हो उससे एक कम बार में डिवाइड करेंगे तो उतना भाग बढ़ जाएगा। तो यहां पे चूंकि हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम 6 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहां थोड़ा इक्वल 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया बच्चों 6 लाइन ड्रॉ किया हमने, और यहां पे ये 7 भागों में बट चुका है। तो अब हमें दिखाना कौन सा है, पहला वाला 1 फर्स्ट पार्ट, तो ये हो गया 2 के बाद चलेंगे और पहला लाइन यही है हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा 2 होल 1/7, या इसको हम बोल सकते हैं 15 अपॉन 7। तो यहां से यहां तक भी हम चाहे तो इसे डार्क ऐसे करके दिखा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप ये 2 के बाद यहां 2 1/7 मार्क कर दो, 2 पूर्णांक 1/7, तो ये हो गया हमारा, इस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो अगर यही नेगेटिव में रहेगा इसी तरह से, तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे देखो एग्जांपल, मान लो रिप्रेजेंट करना है -2 होल 3 अपॉन 8, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ये ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये ऑलरेडी मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, तो यहां पे हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो फिर से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम लोग बच्चों। ये हो गया हमारा 0 ले लेते हैं, 1 2, इधर और आगे 3 आगे बढ़ जाएंगे, इधर देखो -1 -2, -3, इस तरह से। मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है ताकि, क्योंकि मुझे पता है यहां -2 के बाद जाएंगे। ओके,
अब देखो माइनस टू के बाद जाना है तो जीरो से माइनस वन, माइनस टू इधर, तो माइनस टू तो यहां तक तो रहेगा ही रहेगा। अब थ्री अपॉन एट है, तीन बटे आठ, तो मैंने बताया फिर ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर क्या है, एट है, तो एट डिनोमिनेटर है, तो मैंने क्या बताया था अभी कि आठ भागों में बांटना होगा, यदि जितना डिनोमिनेटर होता है हम उतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो अगर अब हमें आठ पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सेवन लाइन ड्रॉ करेंगे, मैंने बताया था जितने पार्ट्स में डिवाइड करना उससे एक कम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एट पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो हमें सेवन लाइन ड्रॉ करना होगा, तो सेवन लाइन यहां ड्रॉ करो, वन ये इक्वल दूरी पे होना चाहिए, एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है, तो यहां पे सात लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहां देखो थ्री अपॉन एट दिखाना है, यानी माइनस टू होल थ्री बाई एट, तो यहां से चलेंगे तीसरी लाइन, तीसरा पार्ट को दिखाना है, तो ये हो गया माइनस टू के बाद पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो ये हो गया माइनस टू होल थ्री अपॉन एट, तो यहां पे हम क्या दिखेंगे, माइनस टू होल थ्री अपॉन एट, तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट किए। तो इसी तरह से नंबर लाइन पे और भी बोल सकता है, चलो मान लो ये एक और एग्जांपल लेते हैं, माइनस वन होल टू बाई थ्री, तो माइनस वन होल टू बाई थ्री है तो माइनस वन तक तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर थ्री है तो हमें माइनस वन से आगे चलेंगे, तो माइनस वन से आगे चलेंगे तो थ्री पार्ट में डिवाइड करना है, तो थ्री पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, दो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, कर दिए। अब इसमें क्या है, टू अपॉन थ्री दिखाना है, तो ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, तो ये हो गया हमारा माइनस वन के बाद, इसको लिखते हैं माइनस वन प्लस टू अपॉन थ्री, मतलब माइनस वन से आगे जाना है तो माइनस वन से आगे यहां लिखेंगे माइनस वन होल टू अपॉन थ्री, तो ये हो गया हमारा। इस तरह से रेशनल नंबर्स को, चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो इस प्रकार हम नंबर लाइंस पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने देखा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया हो बच्चों। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से रेशनल नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में अनेक रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें बोला जाता है, टू फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, तो इस तरह से क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज टॉपिक समझ में आया होगा, कैसे हम लोग रेशनल नंबर पे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइंस को। तो अब दूसरी टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे इसी में आगे, टू फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। दो संख्याएं दी रहेगी, दो रेशनल नंबर दी हुई रहते हैं, मान लो दो संख्या है ए और बी, ए और बी दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। अगर हम एक एग्जांपल है तो थ्री और फोर, हमें ऐसा लगता है कि थ्री और फोर के बीच में कोई नंबर नहीं है क्योंकि थ्री के बाद फोर आता है, लेकिन बच्चों अगर रेशनल नंबर की बात करें तो हम, मैंने बताया था कि रेशनल नंबर को हम डेसिमल रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो थ्री और फोर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकल सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इसी टॉपिक को हमें आज पढ़ना है, टू फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो ये कई तरीके से निकलता है और अलग अलग टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप वन हम देखेंगे, टाइप वन टू फाइंड अ रेशनल नंबर। यदि हमें एक रेशनल नंबर निकालना हो दो रेशनल नंबर के बीच में, टू फाइंड अ रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ए और बी के बीच में जो रेशनल नंबर होता है इसे निकालने के लिए वन बाय टू ए प्लस बी, ये हमें फॉर्मूला याद करना है कि यदि दो रेशनल नंबर हमें दिया हुआ हो ए और बी और हमसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में कोई एक रेशनल नंबर बताइए, तो वहां पे एक रेशनल नंबर निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे, इसे बोलते हैं मीन फॉर्मूला भी बोलते हैं, दोनों का एवरेज। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमसे बोला गया कि टू और थ्री के बीच में कोई एक रेशनल नंबर बताइए,
इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन टू एंड थ्री, दो और तीन के बीच स्थित कोई परिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, वन बाय टू अपॉन टू प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा, वन बाय टू अपॉन थ्री प्लस टू फाइव, इसका मतलब क्या हुआ, फाइव अपॉन टू दैट इज 2.5, तो इसका मतलब ये हुआ इनके बीच में 2.5 एक रेशनल नंबर है जो है, कोई दिक्कत। इसी तरह से मान लो माइनस वन और माइनस टू के बीच में बोलेगा कि एक रेशनल नंबर निकालिए, तो क्या करेंगे हम, वन बाई टू अपॉन ए प्लस बी यानी माइनस वन प्लस माइनस टू, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस वन माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, तो वन बाई टू अपॉन माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस 1.5, यानी माइनस 1.5 इनके बीच का रेशनल नंबर एक होगा, माइनस 1.5। आ रहा समझ में, तो ये एक तरीका है जब हमें एक रेशनल नंबर निकालना हो किसी दो रेशनल नंबर के बीच में, तो ये हम कहते हैं टाइप वन का ये क्वेश्चन है। ओके, इसी में कभी आता है कि टू फाइंड n rational numbers between a and b। अब देखो उस प्रोसेस से भी निकाल सकते थे हम n, वो जरूरी नहीं कि एक ही निकालने के लिए हो, दो तीन भी निकाल सकते, तो मेथड वन कह सकते हैं और इसे हम बोलते हैं मेथड टू, ये दूसरी मेथड है या टाइप टू बोलो। दूसरा मेथड कौन सा है रेशनल नंबर निकालने का, तो जब when both rational numbers have like denominator, like denominator कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों का जो हर होगा वो लाइक होगा, समान होगा, जैसे 2/5 एंड -1/5 के बीच में बोला जाए अगर 6 रेशनल नंबर निकालिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, n रेशनल नंबर की जगह पे, n की जगह पे 6 है, 2/5 एंड -1/5 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालना हो, तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वी सिंपली मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ एन प्लस वन। सपोज यहां पे क्या है, -1/5 पहले लिखेंगे और 2/5, अब इनके बीच में हमें एन के जगह पे क्या है, यहां पे एन के जगह पे 6 दिया हुआ है, मतलब 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो मैंने क्या बताया, वैसे केस में जहां पे एन रेशनल नंबर निकालना हो और उनका साथ ही साथ दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो हो बिल्कुल सेम हो, देखो यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, तो दोनों केस में जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, इस केस में हम लोग n plus 1 का मतलब 6 plus 1 7 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ n प्लस वन, दैट इज 7 से हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7/35, और इधर भी करेंगे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 14/35। अब देखो बच्चों यहां डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, कोई बात नहीं, लेकिन न्यूमरेटर देखो यहां -7 है, यहां 14 है, यानी -7/35 और 14/35 के बीच में हमें कोई भी 6 रेशनल नंबर लिखना है, तो ये अब आसान हो गया हमारे लिए, -6/35, -5/35, -4/35, -3/35, इस तरह से डॉट 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 आगे हम लोग चल सकते हैं, 5/35, 6/35, डॉट 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 14/35, इसमें से कोई भी 6 रेशनल नंबर हम उठा के लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो अगर 5, 6, 7 इस तरह से दिया जाए कि भाई दो रेशनल नंबर के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा,
सर, और ऊपर से अगर डिनोमिनेटर लाइक हो, लाइक डिनोमिनेटर मतलब दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम हो, तो हम n रेशनल नंबर अगर पूछा गया है तो n प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नया रेशनल नंबर हमारे सामने आया -7/35, 14/35, इन दोनों के बीच में फाइंड करना है n रेशनल नंबर, यानी 6 रेशनल नंबर यहां दिया गया है क्वेश्चन में, तो 6 रेशनल नंबर, इसमें से कोई भी 6 रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। देखो बच्चों, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 3। -2 and 3 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम -2 को लिख सकते हैं -2/1 and 3/1 लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हो गया सर, अब यहां डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1 1, हम डिनोमिनेटर दिया हुआ नहीं था लेकिन हम पी वाई क्यू के रूप में रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, तो 3/1 और -2/1 लिख दिए। अब चूंकि यहां डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, दोनों का हर यहां क्या हो गया है, बराबर हो गया है, तो मैंने बताया था अभी जस्ट कि यदि n रेशनल नंबर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, n प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो चूंकि हमें यहां 6 निकालना है सर, तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलोगे सर बार बार आप 6 ही क्यों ले रहे, तो लो चेंज कर देते हैं, यहां पे ले लो, एक काम करो यहां पे ले लेते हैं हम 3, ठीक है, तो अब 3 लिए तो क्या करना पड़ेगा, हम n प्लस 1 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया -8/4 और ये हो गया 12/4, तो इसका मतलब ये हुआ कि -8/4 और 12/4 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम कोई भी 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, -7/4, -6/4, -5/4, -4/4, ...0/4 भी लिख सकते हैं, 1/4, 2/4, .. 12/4, तो मतलब इन दोनों को छोड़ के इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे उसमें से कोई भी 3, 4 जितना क्वेश्चन में पूछा जाए हम उतना रेशनल नंबर इसमें से सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पहला मेथड हमने क्या देखा, यदि 2 रेशनल नंबर दिया हुआ हो और उसमें कोई 1 रेशनल नंबर पूछा जाए तो हम सिंपली दोनों का एवरेज यानी मीन निकाल लेते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा हो जाता है 1 रेशनल नंबर निकालने का तरीका। मेथड 2 में हमने क्या देखा, जब 2 रेशनल नंबर दिया हुआ हो और दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो, बिल्कुल सेम हो, तो हम क्या करेंगे उस केस में, दोनों को अगर n रेशनल नंबर पूछा जाए तो n प्लस 1 से ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और उनके बीच फिर जितने नंबर्स हैं उसमें से कोई भी 3, 4 जितना पूछा गया है हम सेलेक्ट करके लिख लेते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मेथड 3 क्या है। 3 ही मेथड है, तो मेथड 3 देखेंगे, जब हमें बहुत ज्यादा नंबर पूछा जाए, मेथड 3 में मान लो टू फाइंड n रेशनल नंबर, n यहां पे जब 5-6 से ज्यादा हो, मतलब पूछा जाए 80 रेशनल नंबर निकालिए, 90 निकालिए, 100 रेशनल नंबर निकालिए, तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b, जब बड़ी संख्या में रेशनल नंबर पूछा जाए 2 संख्याओं के बीच में, तो हम क्या करते हैं, इस केस में जो 2 रेशनल नंबर दिया रहता है, मान लो -2/3 and 3/4 ये दिया हुआ है, अब इसमें हम एक को x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं, इस केस में
यदि माइनस टू बाई थ्री एंड थ्री बाई फोर के बीच में हमें पूछा जाए 100 रेशनल नंबर निकालिए, फाइंड 100 रेशनल नंबर, n के जगह पे अगर हमें 100 दे दिया जाए कि 100 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, तो हमने एक को x मान लिया और दूसरे को y मान लिया। अब ध्यान ये देना है कि x हमेशा x इज ऑलवेज लेस देन y, ये हमें ध्यान रखना है। x हम उसी को मानेंगे जो दोनों नंबर में छोटा हो, तो हम पता कैसे करेंगे छोटा कौन है, तो बेहतर तरीका है जैसे माइनस टू बाई थ्री, यहां तो माइनस था तो हम आसानी से पकड़ लिए कि माइनस वाला छोटा होता है, माइनस टू बाई थ्री और थ्री बाई फोर, तो हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टू फोर जा माइनस एट और थ्री थ्री जा नाइन, तो देखिए ये छोटा है, इस माइनस एट छोटा है नाइन से, तो इसको हम क्या मानेंगे एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे। तो ये मेथड समझ में आया कैसे हम पता करते हैं कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा, विच इज स्मॉलर एंड ग्रेटर, तो x को हमेशा छोटा मानेंगे y से। ओके अब देखो, तो अब क्या करना है हमें, एक सबसे पहले एक d निकालना होता है, d क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है y माइनस x अपॉन n प्लस वन, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम d निकालेंगे पहले, तो d निकालते हैं पहले, y क्या है 3 बाई फोर माइनस एक्स माइनस टू बाई थ्री अपॉन एन प्लस वन, एन कितना है 100, तो 101 हो जाएगा 100 प्लस वन। ओके अब यहां क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 3 12, 4 3 3 9 प्लस 3 4 तो 4 2 8, 9 8 17 अपॉन 12 इंटू 101 नीचे आ जाएगा। ओके तो ये कितना हो गया 17 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 12 2 और ये हो जाएगा 12 1 2 1, इस तरह से है। तो मैंने ज्यादा बड़ा नंबर लिया है इसलिए बड़ा फ्रैक्शन आ रहा है, इससे है बढ़ाना नहीं है। ओके तो 17 अपॉन 2 1 2 1 2 1 2 आ गया। तो अब जो हम रेशनल नंबर निकालेंगे 100 रेशनल नंबर्स, वो कैसे निकालते हैं, तो देयरफॉर n रेशनल नंबर्स, n रेशनल नंबर्स बिटवीन A and B are x plus d, पहला हो गया x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d, इस तरह से हम लोग डॉट 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 x plus nd तक जाएंगे। ओके तो जितना रेशनल नंबर पूछा जाए उतना हम ऐसे इस तरह से निकाल सकते हैं। तो सपोज करो कि हमारा पूछा गया 100 नंबर, तो हम क्या करेंगे, x क्या है हमारा माइनस टू बाई थ्री, तो माइनस टू बाई थ्री प्लस d क्या है 17 अपॉन 1 2 1 2, दूसरा x प्लस 2d तो माइनस टू बाई थ्री प्लस 2d मतलब 2 इंटू 17 बाय 1 2 1 2, उसी तरह तीसरा माइनस 2 बाय 3 प्लस 3 इंटू 17 अपॉन 1 2 1 2, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग करते जाएंगे, माइनस 2 बाय 3 मल्टीप्लाई 100 इंटू d क्या है हमारा 17 अपॉन 1 2 1 2। अब जो नंबर आ रहा है तो नंबर क्या आएगा, इसको एलसीएम लेंगे हम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 1 2 1 2, तो 3 से लगाएंगे 3 4 12, 404 आ जाएगा, उसके बाद 404 2 जा
808 माइनस 808 प्लस 17, उसके बाद फिर यहां पर लेंगे 1212 एलसीएम, फिर वही कैसा आएगा माइनस 808 प्लस क्या हो जाएगा 17 टू जा 34 है तो 34, फिर तीसरा लेंगे इसी तरह से 1212 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 3 टाइम्स सॉरी माइनस 808 प्लस 17 थ्री जा 51। तो इस तरह से हम लोग डॉट 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 लास्ट में जो आएगा हमारा एलसीएम 1212 माइनस 808 प्लस कितना हो गया 1700। तो अब क्या करेंगे हम लोग इस तरह से अब ऐड करेंगे सबको, तो माइनस 800 में 17 जब ऐड करेंगे क्या होगा तो हो जाएगा ये माइनस 793। देखो सॉरी माइनस 791 और बाय 1212। उसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 3 गया 7, माइनस 774 अपॉन 1212। तीसरा क्या हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 5 गया 5, माइनस 757 अपॉन 1212 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा प्लस 892 अपॉन 1212। तो इस तरह से ये इतने रेशनल नंबर आ गए, मतलब माइनस 791 से स्टार्ट किए और 892 तक गया। अब इसमें से कोई भी 100 रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं, देख लो आसानी से आ जाएगा माइनस 791 से 774 तक, बीच में 100 रेशनल नंबर आ रहे हैं, तो आप ये हो गया हमारा n 100 रेशनल नंबर्स। अगर कोई सिंपलीफाई होता है तो हम उसे सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा n 100 रेशनल नंबर्स, 100 रेशनल नंबर। अब 100 रेशनल नंबर मतलब सभी को लिखना जरूरी नहीं है, बीच में डॉट डॉट लगा देंगे, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू इसी तरह बढ़ेगा, माइनस से ये घटते घटते माइनस 791 से लेके माइनस 774 757 इस तरह से करते हुए 892 तक बीच में 100 रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कंटिन्यू 100 रेशनल नंबर को दिखा सकते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा कि किस तरह से, शुरू में हमने देखा कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर उस मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जब दो रेशनल नंबर हमें दिया हुआ हो और उन दो रेशनल नंबर के बीच में हमें एन रेशनल नंबर निकालना हो, उसमें मैंने 3 मेथड्स को चर्चा की। हमने पहला मेथड हमने देखा कि यदि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो हम a प्लस बी अपॉन 2 कर देते हैं। दूसरे मेथड में हमने देखा यदि दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और उनका डिनोमिनेटर सेम हो, दोनों का हर क्या हो सेम हो अगर, तो हम क्या करते हैं n प्लस 1 से ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से उनके बीच में दो नए रेशनल नंबर आएंगे, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो उसमें से कोई भी 5 या 6 जो पूछा गया है क्वेश्चन में हम उसे लिख देते हैं। और मेथड थर्ड हमने डिस्कस किया, ये हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें बहुत ज्यादा नंबर यूज किया गया हो, जैसे 50 रेशनल नंबर पूछ दे, 60 रेशनल नंबर पूछ दे, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें तरीका सिर्फ क्या करना है, एक रेशनल नंबर को हम लोग x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे, x हमेशा छोटे वाले को मानना है,
छोटा कैसे निकाल लेंगे, अभी मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेशनल नंबर को, जो छोटा आ रहा होगा वो एक्स हो जाएगा और जो बड़ा होगा वो वाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डी निकालेंगे, डी के लिए फॉर्मूला मैंने बताया वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन, तो उससे हम लोग डी निकाल लेते हैं। और उसके बाद एन रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स प्लस डी एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस फोर डी डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एक्स प्लस एन डी तक जाएगा। और इस तरह से हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे x का वैल्यू पुट करके, d, 2d, 3d इस तरह वैल्यू पुट करते जाएंगे, और जब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेशनल नंबर्स की लिस्ट आएगी उसमें से जितने पूछे जा रहे हो उसमें से हम लिख देंगे आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मैंने दो टॉपिक्स को इसमें चर्चा किया, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर और नंबर लाइन, और फाइंडिंग n रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। So, यदि आपको इसमें कोई भी डाउट होती है किसी भी टॉपिक्स में या कोई कंसेप्ट में समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और मैं उसे बिल्कुल रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रेशनल नंबर के बाद रेशनल नंबर को कैसे हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और डेसिमल को कैसे फ्रैक्शनल पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।